रहस्य और रोमांच अज्ञात। दिसंबर 1922 की एक रात थी। हल्की हवा ने न्यूयॉर्क शहर को ठंड में जकड़ लिया था। डेविड लेनॉक्स स्ट्रीट में हाउस 696 की ओर चला। आसपास के घरों की छाया में वो घर और घरों से फर्क नहीं था। मूल प्रवृत्ति और ताकत थी जो जासूस डेविड के पास अपने पेशे में थी। डेविड ने उस पेशे का चुनाव नाम कमाने के लिए नहीं किया था। वो अज्ञात को खोजकर रहस्यों को सुलझाने को ही अपना काम समझता था। चीजों को देखना और विश्लेषण करना उसको अच्छा लगता था। वो यहां न्यूयॉर्क में एक मकसद से आया था। एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया जब से उनके प्रिय मित्र लेफ्टिनेंट रे को इस घर में मृत पाया गया था। एक घर जिसमें रे अपनी मृत्यु के एक दिन पहले ही रहने आया था। उस समय डेविड बोस्टन में था। वो कुछ दिन बाद आया था। शव परीक्षण ने दिल का दौरा का संकेत दिया था। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में लिखा था कि कोई भी और कारण नहीं था रे की मौत का। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई जहर नहीं दिया गया था। डेविड उन तस्वीरों में लाश की घबराई हुई आंखों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। डेविड सोचने लगा कि रे सिर्फ 28 बरस का था, उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता था। इन्हीं सब बातों के कारण ही उस रात को डेविड रे के घर की तरफ चल दिया था। घर के चारों तरफ बांधी गई टेप को उठाकर वो अंदर गया और उसने मुख्य दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर सभी सामान बड़े बड़े बक्सों में ही बंद था, क्योंकि रे को उस घर में आए हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ था और उसने सामान से घर को तब तक सजाया भी नहीं था। एक मोमबत्ती जलाकर वो लिविंग रूम से अन्य अंधेरे कमरों की तरफ गया। दूर घंटाघर की घंटे की आवाज ने संकेत किया कि रात के 11:30 बज गए थे। एक घंटा घर के अंदर रहने के बाद भी डेविड को कोई ऐसी चीज नहीं खोज सका जो उसको उत्तेजित कर पाती। रात बहुत शांत थी और हवा तेज आवाज कर रही थी, लेकिन डेविड का दिमाग उलझा हुआ था। एक कमरे से बाहर निकलते समय उसे किताबों का एक खुला डिब्बा मिला। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में डेविड उन सभी पुस्तकों के विषय को देखने के लिए उत्सुक हुआ। उनकी प्रवृत्ति एक बड़ी हुई जागरूकता तक पहुंच गई, क्योंकि उसने उनमें से पहले वाली किताब को चुना जिसका शीर्षक था हाउस 696 भूतग्रसित या मिथक। अपने यकीन से संघर्ष करते हुए और अपनी सहज प्रवृत्ति से लड़ते हुए उसने वो किताब नीचे फेंक दी और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। वो डाइनिंग टेबल से टकरा गया और मोमबत्ती गिरकर बुझ गई। जैसे ही डेविड ने अंधेरे में उस मोमबत्ती को खोजकर फिर से जलाने की कोशिश की, उसके कंधे को किसी अदृश्य हाथ ने दबाया और फुसफुसाती आवाज में कहा, डेविड, क्या वो किताब नहीं पढ़ोगे? अगले दिन पुलिस को जासूस डेविड की लाश भी रे के घर में मिली। शव परीक्षण ने बताया कि वो भी दिल का दौरा पड़ने से मरा था। अज्ञात उस घर में ही रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया।